नादरीन, आज भारत के एक जर्नल ने पाकिस्तान के हवाले से एक और बड़ा ऐलान किया है भारत का ये जर्नल कारगिल के ऊपर कमांडिंग ऑफिसर है और उसने पाकिस्तान के हवाले से ये कहा है कि स्कर्दू और गिलगत बल्दिस्तान हमारे से सात किलोमीटर दूरी के ऊपर है हम बड़ी आसानी से स्कर्दू गिलगत बल्दिस्तान को कब्जा कर लेंगे इस तरह का बयानिया उस जर्नल की तरफ ऐसी सामने आया है आज की इस वीडियो में मैं आपको उस जर्नल की हकीकत बताऊंगा उसकी तमाम खिलवाड़ आपको बताऊँगा कश्मीर में क्या हो रहा है आपको सारी की सारी कहानियां बताऊंगा छोटी सी मेरी एक गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल हसना टीवी की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि उस जर्नल ने यह बात क्यों की क्या वजह थी और क्यों कश्मीर गिरगत बल्दिस्तान को भारत हथियाने की कोशिश कर रहा है आपको सबसे पहले उस जर्नल की बात बताता हूँ अगर आपके पाँच ऐसी सात किलोमीटर की दूरी आरोप है गिरगत बल्दिस्तान का इलाका है अगर तुम कब्जा करना चाहते हो तो मुलक के पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके दिखाओ भारतीय जनरल को मैं ये कहना चाहता हूँ उसके अंदर इतना दम है तो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके दिखाए सात किलोमीटर याद रखेंगी कि पाकिस्तान से तुमने पंगा लिया दूसरे नंबर पर आपको यह बताता हूँ कि भारत हमेशा से अजल से ये कहता आया है कि हम कश्मीर से घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर से घुसेंगे हम बलूचिस्तान से आएंगे पाकिस्तान को मारने के लिए आज तक सिर्फ इन्होंने बातें की है अगर काम करके दिखाया है तो पाकिस्तानी फौज ने कहा के दिखाया है भारत के अंदर घुस इनके दो जहाज मार कर दिखाए थे इनके पायलटों को हमने पकड़ कर दिखाया है अगर भारत का ये सरहद मुझसे सात किलोमीटर दूरी पर है अगर हिम्मत है तो अंदर आकर दिखाओ अब आपको बताता हूँ भारतीय फौज ने लूट मार शुरू की है इन्होंने लाइसेंस मोदी और हिंदुओं से लिया हुआ है कि हमने कश्मीरी लोगों के घर भी जलाने हैं हमने कश्मीरी लोगों को मारना भी है ये जो बकवासियात भारतीय करते हैं कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, पाकिस्तान के हुरियत रहन जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके जर्नैलों के बेटे तो बाहर पड़ते हैं मेरा ये जवाब सुनो मैं आपको कहता हूँ जो कल जुनेद सहराई मरा है वो किसका बेटा है वो अशरफ का बेटा है जो हुरियत रहन और सैयद अली गलानी का जानशीन है अशरफ सहराई ने अपने बेटे तक की लाश लेने ऐसी मना कर दिया अशरफ सेराय ने यह कहा की जब तक तुम दूसरे मुसलमानों की कश्मीरी नौजवानों की लाशें वापस नहीं करते मैं अपने बेटे की लाश मांग कर बीक नहीं मांगूआ कश्मीर के जुनेद सेहराई एम बी ए की स्टडी मुकम्मल करने के बाद जो भारत के खिलाफ उसने जहाज का ऐलान किया ये साबित करता है की कश्मीर के लोग आज भी अपनी तहरीक को जिंदा रखे हुए है नाजरी नगर उस जर्नल ने जो बात की है कारगल का जो कमांडिंग ऑफिसर है कि तो मेरी सात किलोमीटर की दूरी पर है वो इस वजह से बकवासियात कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ कर्दू के अंदर जंगी एयरबेस बनाया है और पाकिस्तान ने चाइना के जहाज भी वहाँ लाकर खड़े किए हैं उन जहाज़ों के मैं नाम बताना चाहता हूँ जे अलेवन और ट्वेंटी जो चाइना के सबसे फिफ्थ जनरेशन के जहाज है वो भी ऊपर खड़े हुए हैं भारत इसी वजह से मिला रहा है और आखिर में नाजरीन ग्रामीण आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत के अंदर कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जहां मुसलमानों की नस्ल कु न की गई हो मैं कोई बड़े बड़े वाकयात आपके साथ शेयर करता हूँ उन्नीस के अंदर कलकत्ता ऐसी मुसलमान सत्तर हजार ऐसी ज्यादा हिजरत करके मशरकी पाकिस्तान में चले जाते हैं उन्नीस के अंदर भारत ने मुसलमानों को कलकत्ता के अंदर ही अठारह के करीब लोगों को जिबा कर दिया था जिसमे सिर्फ और सिर्फ सौ मर्द थे बाकी सारे के सारे खातिन बुजुर्ग और बच्चे थे उसके बाद दो हजार दो में जो मोदी ने गुजरात के अंदर किया वो सारी दुनिया के सामने है इस तमाम वाकत के होने के बावजूद भी ये लोग इस्लाम के ऊपर खड़े है मुसलमानों के साथ खड़े है हिंदुस्तान के मुसलमान आज जुल्म जबर बर्दाश्त करने के बाद भी कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहे हैं अगर आप भी कश्मीर को सपोर्ट करते हैं तो हमारी इस वीडियो और इस हकीकत को दुनिया के साथ ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर करके पहुँचाइए जजाकल्ला